بسم الله الرحمن الرحيم। पाकिस्तान में ईद कल होगी या जुमेरात को। चांद के बारे में ताजा तरीन पेशन गोई। एक मरतबा फिर आप तमाम दोस्तों को रोहेल वॉइस चैनल में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद और खुलूस भरा सलाम। पाकिस्तान में ईद उल फितर का चांद देखने के लिए रोहेल हलाल कमेटी का अजलास आज 29 रमजान उल मुबारक को तलब किया गया है। महकमा मौसमियात के हुकाम के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा में मतला मुकम्मल साफ होगा और चांद नजर आने के इम्कान हैं, लेकिन चांद दिखाई देने की सूरत में ईद उल फितर कल 10 अप्रैल को होगी, जबकि चांद दिखाई ना दिया तो ईद 11 अप्रैल को होगी। याद रहे कि महकमा मौसमियात ने एक हफ्ता पहले ही काफी वसूक से पेशनगोई की थी कि मंगल 9 अप्रैल को ईद उल फितर का चांद दिखाई देगा। महकमा मौसमियात के हुकाम के मुताबिक मंगल को चांद ग़ुरूबे आफ्ताब के बाद आधे घंटे से ज्यादा देर तक उफक पर रहने का इम्कान है। इंसानी आंख से देखने के लिए चांद की उम्र पूरी हो चुकी है। दूसरी जानिब सऊदी अरब में रुयत हलाल कमेटी के रुकन और माहिर फलकियात अब्दुल्ला अल खुजेरी ने पीर को ईद उल फितर का चांद दिखाई न देने की वजह से बुध को ईद का ऐलान कर दिया है। मेरी तरफ से आप तमाम दोस्तों को और आपके तमाम अहले खाना को ईद मुबारक। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।